नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 110 लाख करोड़ रुपए निवेश का सरकार ने रखा लक्ष्य। पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे और निवेश पर केंद्रित पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। भाजपा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी भारत में आने वाले निवेशकों को रहे हैं भड़का। राहुल गांधी करते हैं विदेशों में भारत का अपमान। भाजपा ने कहा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया भारत से आशान्वित। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को राष्ट्रपति ने दिया स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कैच द रेन मिशन की भी हुई शुरुआत। भारत ने कोविड महामारी का डटकर किया मुकाबला। रायसेना डायलॉग में बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। आज वैश्विक शांति, ऋण संकट, प्रौद्योगिकी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समेत अहम मसलों पर भी होगी परिचर्चा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल समेत कई अन्य मंत्री होंगे शामिल। तमिलनाडु में बिहार के कामगारों से कथित मारपीट का मामला गरमाया। बिहार के आईएएस अधिकारियों की टीम आज करेगी तमिलनाडु का दौरा। बिहार के कामगारों से करेगी मुलाकात। महिला क्रिकेट में आज से नए युग की शुरुआत। रंगारंग कार्यक्रम के साथ मुंबई में शुरू होगा विमेन प्रीमियर लीग। गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहला लीग मैच आज। 26 मार्च तक 5 टीमों के बीच होंगे 22 मुकाबले। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय बजट में इस बार की गई घोषणाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज एक खास विषय पर हितधारकों के साथ संवाद कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में आज का विषय था बुनियादी ढांचा और निवेश, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ रसद दक्षता में सुधार। प्रधानमंत्री ने आज के वेबिनार में कहा कि इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई ऊर्जा देने वाला है। पीएम ने कहा कि सरकार आने वाले समय में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 110 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय स्टेक होल्डर्स के लिए नई संभावनाओं और साहसपूर्ण निर्णय लेने का है। इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब हमारा कैपेक्स साल 2013-14 की तुलना में, यानी मेरे आने से पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में 5 गुना अधिक हो गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नेशनल हाईवे के निर्माण, रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन और एयरपोर्ट की संख्या में जबरदस्त तरक्की हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 की तुलना में दोगुना हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट की संख्या 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर करीब 150 हो गई है। आज नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो चुका है। उसी प्रकार से 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज ये लगभग
4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रहा है। अगर हम एयरपोर्ट की तरफ देखें तो एयरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर के 150 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी डबल हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है। पीएम ने कहा कि इस वर्ष के बजट में 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है और उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष के बजट में 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है और उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। क्वालिटी और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट आने वाले दिनों में और कम होने वाली है। इसका भारत में बने सामान पर, हमारे प्रोडक्ट्स के कॉम्पिटेंसी पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ना ही पड़ना है। लॉजिस्टिक सेक्टर के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सुधार आएगा। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए भी संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। मैं प्राइवेट सेक्टर को इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। यह अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को और विकास को एकीकृत करने का बहुत बड़ा माध्यम है। गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतने ही प्रतिभाशाली और कुशल युवा काम करने के लिए आगे आ पाएंगे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ ही देश के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतने ही टैलेंटेड युवा, स्किल्ड युवा काम करने के लिए आगे आ जा पाएंगे। इसलिए ही स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे अनेक विषयों पर भी प्राथमिकता देना, जोर देना उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। यह सम्मान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल अभियान की श्रेणी में दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान की भी शुरुआत की। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति पुस्तिका का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल जीवन मिशन की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को जल जीवन मिशन से काफी सुविधा मिली है। जल और स्वच्छता दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जो हर नागरिक के जीवन में विशेष स्थान रखते हैं, लेकिन ये मुद्दे सबसे ज़्यादा हमारी बहनों और बेटियों को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रायः गांव में घरेलू कामकाज और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। हमारी बेटियां और बहनों को अक्सर पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
और जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुजरात में सुजलाम सुफलाम योजना से गंदे पानी की समस्या को समाप्त कर दिया है। 2 लाख गांव ओडीएफ प्लस घोषित हो गए हैं। कुछ वर्ष पहले तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में भी जल की कमी होना आम बात थी, लेकिन गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना ने जल प्रबंधन का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन ने सौराष्ट्र और कच्छ में पानी की कमी का लगभग समाप्त कर दिया है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स एकजुट होकर कार्य करें। हमें ये प्रयास ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए करना जरूरी है। और दिल्ली आबकारी घोटाले के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत के समक्ष पेश किया। सिसोदिया की 5 दिन की हिरासत अवधि आज समाप्त हो रही है। मनीष सिसोदिया ने कल अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और 10 मार्च तक के लिए इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को निचली अदालत में जाने को कहा था। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब आबकारी नीति घोटाले के आरोप में पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को राउज एवेन्यू अदालत में सीबीआई ने कहा था कि मनीष सिसोदिया संतोषजनक उत्तर देने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद अदालत ने सिसोदिया को सीबीआई की 5 दिन की हिरासत में भेज दिया था और यह 5 दिन की हिरासत आज समाप्त हो रही है और इसको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है। और सिसोदिया की जो नियमित जमानत की याचिका थी उस पर अब 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है, क्योंकि उस पर सुनवाई करने के बाद में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 10 मार्च को 2 बजे का वक्त रखा है जो नियमित जमानत की याचिका दी गई थी उसको लेकर। लेकिन जो आज 5 दिन की हिरासत खत्म हो रही है सीबीआई की मनीष सिसोदिया को लेकर, उस पर अभी सुनवाई जारी है और उस पर अभी कोर्ट की बात सामने आना बाकी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर से रूबरू कराते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारत को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि आज जहां पूरा विश्व पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का लोहा मान रहा है, वहीं राहुल गांधी विदेश में भूमि पर जाकर भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया एंड द ब्राइटनेस विद व्हिच इंडिया इज मूविंग और दूसरी तरफ जहां पूरा विश्व हिंदुस्तान के लिए आज अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वही हिंदुस्तान का प्रमुख विपक्षी पार्टी और उस विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी विदेश में बैठकर कह रहे हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में फोन टैपिंग होता था, जबकि आज जब पेगासस मामले का सामने आया तो राहुल गांधी सहित किसी भी नेता ने अपने मोबाइल को जांच के लिए नहीं दिया। राहुल गांधी विदेश की भूमि में जाकर कहते हैं कि हम ऑपोजिशन के लीडर हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। वो वहां कहते हैं कि हमारे टेलीफोन के अंदर पेगासस छोड़ दिया गया है। राहुल जी, ये पेगासस लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बैठाई, जांच कमेटी ने कहा आप अपने अपने मोबाइल दीजिए, हम जांच करके देखते हैं उसमें पेगासस है कि क्या है। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया अपना मोबाइल आपने? ना आपने अपना मोबाइल जांच करने के लिए दिया, ना किसी ने आपके पार्टी में से अपने मोबाइल को जांच करने के लिए दिया। और जाके कैम्ब्रिज में कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर पेगासस है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को चीन का राष्ट्रवाद नजर आता है, लेकिन भारत के बारे में चीजों को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। वो वहां भी जाके कह रहे थे कि एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, इंडिया इज एन एग्रीमेंट, चाइना हार्मनी चाहती है, वहां नेशनलिज्म है क्योंकि वहां येलो रिवर है, गंगा उन्हें दिखा नहीं, क्योंकि देखने की कोशिश नहीं की।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि लगातार हार से कांग्रेस निराश है, जिस कारण राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत को अपमानित कर रहे हैं। कभी विदेशी मित्रों की, कभी विदेशी एजेंसियों की, कभी विदेशी ताकतों की, और अब विदेशी जमीन का सहारा लेकर भारत को बदनाम करने का काम कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने किया है। एक के बाद दूसरी चुनावी हार, जनता के सामने ना जा पाना और जनता का बार बार कांग्रेस को नकारना, क्या इतने हताश, निराश और परेशान राहुल गांधी जी हो चुके हैं कि अब चेहरा देश में दिखाने की बजाय विदेश में जाकर देश को बदनाम करते हैं? कभी ईवीएम को, कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी देश के न्यायालय को, हर किसी के ऊपर व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये कांग्रेस के बहाने बनाने की एक आदत सी बन गई है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच G20 से जुड़े एजेंडे पर वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा के लाने के इरादे से व्यापार, कनेक्टिविटी और दोनों देशों के आपसी हितों पर विस्तार से तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज रायसीना डायलॉग के लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट सत्र को संबोधित किया। आयोजन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बेजुबानों की आवाज बना हुआ है, और यूक्रेन संघर्ष और महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज सच्चा बहुपक्षवाद गायब हो गया है। What we see around is basically the conflict, and we also see post-pandemic recovery. Now, the two situations have actually brought focus to our long existing systems. The longest existing systems, were they able to handle the difficult part for which they were created? And what I find missing today, in true sense, is true multilateralism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर के रहने वाले लोक गायक पूरन सिंह राठौर का जिक्र किया था। अपने गायन के जरिए उत्तराखंड के पारंपरिक गीतों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्हें उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री से अपना जिक्र सुनकर पूरन सिंह काफी भावुक और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम पूरन सिंह राठौर, मैं ग्राम रीमा का रहने वाला, जनपद बागेश्वर उत्तराखंड का रहने वाला। सभी उत्तराखंड के प्रेमियों को, संगीत प्रेमियों को, मेरे भाई बहनों को, मेरे सभी साथियों को बहुत अच्छा लगा। मन की बात में एक दूर दराज रहने वाला ऐसे दिव्यांग का जो जिगरे निकाला मोदी जी ने, उसके लिए पूरा उत्तराखंड में आज हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। उसके लिए मैं मोदी जी को कोट कोट बार धन्यवाद अदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा है रजुला मालूसाई, उनका बोल ऋतु रायन, और अपना उत्तराखंड का कल्चर संस्कृति फोक म्यूजिक में मुझे उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार का अवार्ड मिला। धन की कमी से जूझ रही रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय का स्वामी फंड बड़ी राहत के तौर पर उभरा है। बैंकों, रियल एस्टेट कंपनियों में छाए वित्तीय संकट के बीच सरकार ने सेक्टर को सहारा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने स्वामी यानी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड की शुरुआत की है। इस योजना की मदद से अगले 3 वर्षों में 180 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसमें 81,000 से ज़्यादा घरों का निर्माण हो पाएगा, जो मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत देगा। आइए देखते हैं देश का सबसे बड़े सोशल इम्पैक्ट फंड पर हमारी खास रिपोर्ट। सस्ते और मध्य वर्ग के लिए आवासीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने वाली वित्त मंत्रालय की स्वामी योजना अब जमीन पर अपना रंग दिखाने लगी है। साल 2019 में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने धन की कमी से लंबित पड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं को अलग से फंड मुहैया कराने की योजना बनाई। मध्य वर्ग की परियोजनाओं को इस फंड के जरिए प्राथमिकता के आधार पर धन मिलने लगा, जिससे फंसी परियोजनाओं पर काम शुरू हो पाया। फंड को SBI कैप के द्वारा नियोजित किया जाता है, और संबंधित अधिकारियों का मानना है
की। नवंबर 2019 में वित्त मंत्रालय ने 5000 करोड़ रुपए की पूंजी से इस फंड की शुरुआत की थी। अभी तक स्वामी योजना के तहत सरकार ने 15530 करोड़ का निवेश किया है। स्वामी योजना में अब तक वित्त मंत्रालय ने 130 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में अब तक 12500 करोड़ के खर्च होने का अनुमान जताया गया है। अब तक 20557 घरों का निर्माण हो चुका है और अगले 3 सालों में 81000 घर बन सकेंगे। स्वामी फंड का फायदा देश के टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में 130 परियोजनाओं को मिलेगा। दिसंबर 2024 तक इस फंड का फायदा हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिलता रहेगा। अनुमान है कि इस फंड से रियल एस्टेट सेक्टर में कुल मिलाकर 35000 करोड़ का प्रवाह होगा। इस तरह से स्वामी फंड देश का सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट फंड बन चुका है। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार ने ऐसा फंड लॉन्च किया है। तो ये सरकार की आइडिया थी। सरकार ने कहा कि हम एक स्पेशल फंड लॉन्च करेंगे जो सिर्फ डिलेड प्रोजेक्ट्स, जहां घर या तो अटक गए हैं प्रोजेक्ट्स या काफी डिले हो गए, उनमें पैसा डालेंगे और कंप्लीट करेंगे। जानकारों का मानना है कि इस फंड से रियल एस्टेट सेक्टर में फंसे फंड्स में जान वापस आई, घरों के निर्माण का काम फिर से शुरू हुआ और कंपनियों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों का उधार भी वापस करना शुरू कर दिया। निर्माण कार्य से जुड़े दूसरी आर्थिक गतिविधियों में भी इसका सकारात्मक असर होना शुरू हो चुका है। जानकारों के मुताबिक इस निवेश से 2.5 से 3 गुने का फायदा अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकता है। स्वामी फंड में SBI, LIC और HDFC बैंक जैसे निवेशकों की हिस्सेदारी है। फंड को फंसी हुई परियोजनाओं को 12% सालाना ब्याज पर कंपनियों को बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के दिया जाता है। खास बात यह है कि ये मदद उन प्रोजेक्ट्स के लिए ही है जो रेरा के साथ पंजीकृत हैं और जिसमें सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। बिल गेट्स ने भारत सरकार के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में भारत के किन किन क्षेत्रों को सराहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स कई दिनों से भारत के दौरे पर हैं। बिल गेट्स ने नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिल गेट्स ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में भारत के COVID-19 प्रबंधन, टीकाकरण अभियान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे अभियान की सराहना की। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में लिखा कि ऐसे समय में जब दुनिया के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, भारत जैसी गतिशील और रचनात्मक जगह की यात्रा करना प्रेरणादायक है। बिल गेट्स ने लिखा कि भारत के पास बड़ी मात्रा में सुरक्षित, प्रभावी और सस्ते टीकों के निर्माण की अद्भुत क्षमता है। भारत में बने टीकों ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई और दुनिया भर में अन्य बीमारियों को रोका है। भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ने कोविड टीकों की 2.2 बिलियन से अधिक खुराकें वितरित की हैं। बिल गेट्स ने आगे लिखा है कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में 20 करोड़ महिलाओं समेत 30 करोड़ लोगों के खाते में डिजिटल पेमेंट के जरिए धन मुहैया कराया गया। ऐसा आधारों डिजिटल बैंकिंग की वजह से संभव हो सका है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ने मोदी सरकार की गतिशक्ति योजना की भी तारीफ की है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में लिखा कि भारत का गतिशक्ति प्रोग्राम इस बात का उदाहरण कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी सरकारी काम को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को डिजिटल रूप से जोड़ता है ताकि वे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अपनी योजनाओं को एकीकृत कर सके। बिल गेट्स ने कहा कि भारत को G20 देशों की अध्यक्षता मिली है और ये उसके लिए सुनहरा मौका है। बिल गेट्स ने TB, फाइलेरिया समेत अन्य खतरनाक बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए लाई गई योजनाओं पर भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। बिल गेट्स ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों पर अपने ब्लॉग में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरी बातचीत हुई। जिस तरह मोदी सरकार ने भारत के कोने कोने तक शिक्षा के प्रसार के लिए काम किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी हुई बातचीत का हवाला देते हुए लिखा कि साफ ऊर्जा तकनीक की दिशा में भी भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हुए कथित हमले को लेकर सियासी हंगामा होना शुरू हो गया है। एक तरफ जहां तमिलनाडु के श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री सीवी गणेशन ने इस तरह की घटनाओं को झूठा बताया है, तो वहीं बिहार सरकार ने सच और झूठ की पड़ताल के लिए 4 सदस्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेज दी है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए कथित हमले की जाँच के लिए आज बिहार के आला अफसरों की 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में बताया कि उन्होंने टीम को संबंधित घटनाओं की पूरी जांच के निर्देश दिए हैं। परसों ही जब जानकारी मुझको अखबार में मिली तो उसी समय हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि जरा पता करिए, तो उन लोगों ने यहाँ बात किया और कल कहा कि यहाँ से टीम भेज दीजिए, वो टीम जा रही है और जाकर के एक एक चीज को देखेगी। इन सबके बीच विपक्ष ने बिहार सरकार पर हमला बोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। उन्हें तमिलनाडु के बिहारी मजदूरों की पिटाई, हत्या और उन पर हो रहे अत्याचार को बंद करने के संबंध में ज्ञापन दिया। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों पर हो रहे हमले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है कि बिहार का जो भी हमारे बच्चे हैं वो अपने को भयभीत महसूस कर रहे हैं, उसको स्वसम्मान रहने का और सुरक्षित आने की इच्छा है, तो आने की व्यवस्था में आपके पदाधिकारी वहाँ के पदाधिकारी के साथ बैठकर इसको संज्ञान में लेकर बातचीत करें, उन्होंने आश्वासन दिया है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय जवानों ने एक बार फिर से अपना दमखम दिखाया है। जवानों ने माइनस डिग्री तापमान में आइस हॉकी मैच खेला। भारतीय जवानों ने पूरे उत्साह के साथ आइस हॉकी मैच में भाग लिया। महिला क्रिकेट में आज से एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मुंबई में आज से महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत होगी। इस प्रतियोगिता पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की निगाहें लगी हुई हैं। डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज पहला मुकाबला खेला जाएगा। महिला क्रिकेट के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। पुरुष क्रिकेटरों के लिए आयोजित होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग की तरह ही महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है। इस लीग में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग का पहला मैच गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस की कमान ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बेथ मुनी के हाथ में है, जबकि मुंबई की कप्तानी हरमनप्रीत कौर संभालेंगी। हाल ही में हुई खिलाड़ियों की नीलामी में 87 महिला क्रिकेटर्स पर फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई थी। लीग के मुकाबले मुंबई के डीवाई पाटिल और ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहली बार आयोजित हो रहे इस लीग में 22 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल 26 मार्च को ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर टूर्नामेंट के फॉर्मेट की बात करें तो हर टीम 8-8 लीग मैच खेलेगी, यानी हर टीम से हर टीम को खेलना है और प्रत्येक टीम को हर टीम से 2-2 मुकाबले खेलने होंगे। अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधा फाइनल में जगह बनाएगी। वहीं नंबर 2 और नंबर 3 की टीम के बीच 24 मार्च को एलिमिनेटर मुकाबला होगा। एलिमिनेटर की विजेता टीम अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम के साथ फाइनल में भिड़ेगी। प्रीमियर लीग की 5 टीमों में 3 टीम की कमान विदेशी खिलाड़ियों के हाथों में दी गई है। ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाने वाले मैग लेनिंग को दिल्ली का कप्तान बनाया गया है। वहीं विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हेली को यूपी वॉरियर्स की कप्तानी सौंपी गई है। गुजरात जायंट्स ने एक और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेथ मुनी को कप्तान बनाया है। वहीं बैंगलोर और मुंबई ने भारतीय खिलाड़ियों को कमान सौंपी है। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को जहां मुंबई इंडियंस ने कप्तान बनाया है, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने स्मृति मंधाना को कप्तानी की बागडोर दी है। महिला आईपीएल की नीलामी में स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थी। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3.40 करोड़ में खरीदा था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। देश की हिफाजत करने के लिए भारतीय जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर तैनात रहते हैं। गलवान घाटी के पास तैनात भारतीय सेना के फॉर्मेशन ने घोड़ों और खच्चरों की मदद से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही पेंगियोंग झील पर हाफ मैराथन जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गई।
गलवान के पास का ये पूरा इलाका बेहद दुर्गम है और ऐसे में जावाजों जो भारतीय जवान हैं उनकी जावाजी किसी से छिपी नहीं है और इस प्रकार के दुर्गम इलाकों में पेट्रोलिंग करना और पूरी तरीके से मुस्तैद रहना ये बेहद मुश्किल होता है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जवान हर स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बेहतरी से करते दिखाई पड़ रहे हैं। पेंगोंग झील की ये तस्वीरें जहाँ पर माइनस के आसपास टेम्परेचर होता है वहाँ पर घोड़ों के साथ में ये चहलकदमी भारतीय जवानों की। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।